For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पिछले साल फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान सलमान खान की मां सलमा खान भी उनके साथ माल्टा गई थी और यहां उन्होंने कटरीना कैफ के साथ खूब बॉन्ड किया। इसी स्केड्यूल के दौरान अर्पिता खान ने सलमा खान और कटरीना कैफ की एक प्यारी सी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की, जहां ये दोनों एक दूसरे को हग करते नजर आए। और गेस व्हाट, इस पिक्चर में कटरीना दुल्हन के जोड़े में नजर आईं। फिर क्या, फैंस को लगने लगा कि अर्पिता इस पिक के जरिए कोई बड़ा खुलासा कर रही हैं, और सभी को यकीन हो गया कि आखिर भाईजान कटरीना से शादी कर रहे हैं। पर नहीं, कैट का ये ब्राइडल लुक तो उनकी फिल्म भारत के लिए था। फैंस को जब ये पता चला तो वो काफी डिसअपॉइंट हुए, लेकिन समय के साथ साथ वो इस पिक को भूल गए। पर अर्पिता ने कटरीना के बर्थडे के दिन एक बार फिर इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्हें विश किया। अब ये देखकर एक बार फिर भाईजान के फैंस ने इस पिक्चर को सास बहू कहा और कटरीना भाभी को विश करते हुए अर्पिता से रिक्वेस्ट की कि वो भाईजान को कैट से शादी करने के लिए कन्विंस करें। तो क्या अर्पिता भाईजान के फैंस की ये बात मान लेंगी, ये देखना अभी बाकी है। खैर, आपको कटरीना की ये थ्रोबैक पिक्चर कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। हाय, मैं हूँ शुभोना चैटर्जी और आप सभी का स्वागत है मूवीज अड्डा पे। बॉलीवुड के गलियारों में बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि क्या मलाइका अरोड़ा दबंग 3 का पार्ट बनेंगी या नहीं, और अब उन्होंने खुद एक न्यूज पोर्टल के साथ बात करते वक्त ये बताया है कि नहीं, वो दबंग 3 का हिस्सा नहीं बनने वाली है। अब देखने की बात ये होगी कि इस बार दबंग 3 में मुन्ना बदनाम हुआ नाम का जो आइटम सॉन्ग होने वाला था उसमें कौन परफॉर्म करेगा। हमारी मुन्नी तो इसमें परफॉर्म करने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये है और सुना भी ये गया है कि सलमान खान खुद इस गाने पे इस बार परफॉर्म करेंगे। अब देखना ये होगा क्या मुन्नी बदनाम हुई की क्रेज को पीछे छोड़ के मुन्ना बदनाम हुआ सबके दिलों पे घर कर पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, मलाइका की कमी हम सबको महसूस होगी दबंग 3 में, या फिर सलमान खान के दबंग स्टाइल से सब वैसे ही खुश हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। और भी मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। सलमान खान की आगामी फिल्म दबंग 3 को लेकर सभी के मन में काफी एक्साइटमेंट है, खास तौर पर इसलिए कि इस फिल्म में उनके साथ साउथ इंडिया के सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी स्क्रीन पे शेयर करेंगे। पहले ऐसे कहा जा रहा था कि सुदीप इस फिल्म में विलन का रोल निभाएंगे और उनके और सलमान खान के बीच एक शॉर्टलिस्ट सीन होगा, और अब सुदीप ने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म में सिकंदर की भूमिका निभा रहा हूं मैं, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक गलत अजम्पशन है। सुदीप ने आगे ये भी कहा कि उनका रोल एक आउट एंड आउट विलन का होगा, और ये सुनते ही हमारी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई है। तो क्या आप भी सुदीप के इस कैरेक्टर के बारे में जानकर एक्साइटेड हैं? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हाय, मैं हूँ शुभोना चैटर्जी और आप सभी का स्वागत है मूवीज अड्डा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभास और श्रद्धा कपूर के अपकमिंग मूवी साहू के बारे में। साहू एक एक्शन मूवी होने वाली है, तो आप सभी को पता है, और साहू के टीजर लॉन्च होने के बाद से ही ये लोगों के दिल पे घर कर गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में इनकी पूरी स्टारकास्ट अबू धाबी गई थी एक 8 मिनट का एक्शन सीक्वेंस शूट करने, जिस सीन के ऊपर इन लोगों ने लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मूवी के सिनेमाटोग्राफर मैटी का कहना है कि ये मूवी उन लोगों के लिए बहुत खास है और ऐसा कभी नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में कि किसी सीन के लिए इतना पैसा खर्च हो, ये पहली बार हो रहा है और उनको ये उम्मीद है कि वो लोग हम लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब देखने की बात ये होगी कि ये मूवी दर्शकों के मन में कितनी जगह बना पाती है और कितनी नहीं। आप लोगों को कितनी उम्मीद है साहो से, प्रभास से और हमारी श्रद्धा कपूर से, ये आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भी साहो के बारे में मोर गॉसिप और मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए मूवीज अड्डा के साथ।
करण जौहर और कंगना रनावत के बीच नेपोटिज्म को लेकर काफी इश्यूज खड़े हुए और अब हालांकि ये मामला पुराना हो चुका है, कंगना ने अब तक करण को अपना निशाना बनाए रखा है। इनफैक्ट हाल ही में जब कंगना अपनी आगामी फिल्म जजमेंटल है क्या के प्रमोशंस के लिए द कपिल शर्मा शो पर पहुंची, तो उन्होंने वहां भी करण जौहर को गॉसिप आंटी का टाइटल देते हुए कहा उन्हें दूसरों की जिंदगी में बहुत रुचि है, उन्हें तो चुगलीबाजी करने और गॉसिप करने के लिए एक शो भी बनाया है। कंगना ने आगे ये भी कहा एक हफ्ते में अगर वो 10-20 लोगों की पंचायत बिठाकर पूरी निचोड़ न ले कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है तो उन्हें चैन नहीं मिलता है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। अब कंगना के करारे इंसल्ट पर क्या करण जौहर जवाब देंगे ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। नच बलिए 9 बहुत ही खास होने वाला है। आखिर सलमान खान जो इस शो को प्रोड्यूस करने वाले हैं, वेल सलमान खान के आने से शो में कुछ तो अलग होना ही था। तो इस सीजन में रियल लाइफ कपल्स के अलावा रियल लाइफ एक्स कपल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे जो आज भी अच्छे दोस्त हैं। वेल इस निराले कॉन्सेप्ट को सभी ने अप्रिशिएट किया, मगर भाईजान यही नहीं रुके, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जजिंग पैनल तक भी पहुँचाया। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान जज करेंगे और बॉलीवुड के चुलबुल पांडे चाहते थे कि वो अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने साथ जजिंग पैनल में शामिल करें। ये खबर सुनकर सभी को लग रहा था कि भाईजान कटरीना कैफ की बात कर रहे हैं, पर नहीं, सलमान खान इस बार संगीता बिजलानी को जज बनाना चाहते हैं और सूत्रों के अनुसार सलमान खान इस बात को लेकर काफी सीरियस है। तो सलमान खान और संगीता बिजलानी के इस रीयूनियन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताना ना भूलें। भाईजान सलमान खान फिर से एक्शन में आ गए हैं। सलमान खान जहां भी जाते हैं उनके डाई हार्ड फैंस उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और अब जो वो दबंग 3 की शूटिंग के लिए एक बार फिर अपने चुलबुल पांडे अवतार में आ चुके हैं तो यहाँ भी सेट्स पर फैंस की भीड़ जमा हो ही जाती है। वेल चुलबुल पांडे भी अपने फैंस के इस प्यार को एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ सेल्फी खींचने से कभी मना नहीं करते। तो ये रही सलमान खान और उनके फैन की एक प्यारी सी सेल्फी जो अब वायरल हो चुकी है। इस सेल्फी में हम इस डाई हार्ड फैन के चेहरे की खुशी देख सकते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग ही जाता है कि वो भाईजान से कितना प्यार करते हैं। तो सलमान खान और उनके फैन की ये प्यारी सी सेल्फी आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी तो है ही कमाल की और जब भी वो दोनों स्क्रीन पर साथ नजर आते हैं तो फैंस खुशी से झूम उठते हैं। हाल ही में हमने इन दोनों की जोड़ी को फिल्म भारत में देखा और यहाँ भी इन दोनों की केमिस्ट्री ने हमें क्लीन बोल्ड कर दिया और अब ये दोनों रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही फिल्म टाइम टू डांस में भी आएंगे नजर। जी हाँ,
सलमान खान के प्रोटेजी सूरज पंचोली और कटरीना कैफ की बहन इजाबेला कैफ रेमो की डांस बेस्ड फिल्म टाइम टू डांस का हिस्सा है और इसी फिल्म के साथ इजाबेला बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। अब इन दिनों चल रहे रीमिक्सेस के दौर में रेमो ने इस फिल्म में सलमान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के ओ जाने जाना गाने को भी इंक्लूड करने का फैसला लिया है और फिल्म के फुटफॉल को बढ़ाने के लिए उन्होंने सलमान खान और कटरीना कैफ को इसके लिए रोप इन किया है। तो ओ जाने जाना में सलमान खान और कटरीना को डांस करता देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें बताना ना भूलें।